रहे हैं एसके न्यूज। एसके न्यूज में आपका स्वागत है, मैं अनामिका, दिन भर के बड़ी खबरों के साथ। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, भारत नेपाल सीमा माघी पूर्णिमा एवं संत रविदास जयंती के अवसर पर नारायणी गंडकी माता की 58वीं भव्य महाआरती कार्यक्रम एवं वीरों का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। एल कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि निर्माता रंजन सिम्हा, संत बालक दास जी महाराज, धर्मपाल गुरु वशिष्ठ जी महाराज, विशिष्ट अतिथि पश्चिमी चंपारण विकास मंच के अध्यक्ष सह संस्थापक रवि उपाध्याय, भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्त, ठूठीबरी विकास मंच के अध्यक्ष आशुतोष रौनियार, सुरांगन संगीत के गायक व अभिनेता प्रभात रंजन, निर्देशक राहुल के श्रीवास्तव एवं संस्थापक डी आनंद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। एल इस कार्यक्रम में भारत नेपाल के श्रद्धालु भक्तों की भीड़ घंटों लगी रही। राम जानकी मंदिर न्यास बोर्ड एवं कोटी होम आश्रम के संतों की उपस्थिति में नारायणी गंडकी माता की भव्य महाआरती की गयी। इस कार्यक्रम में अजय भक्त, सुनील चौबे, विजय कुमार शर्मा, पश्चिमी चंपारण विकास मंच के संगठन प्रभारी संजय सिंह, मणि कुशवाहा, जीवन मुक्तानंद सरस्वती जी महाराज, ज्योतिषाचार्य नीलकंठ बाबा, होमलाल प्रसाद, नितेश रौनियार, अमरेंद्र सिंह, राजेश निगम, विजय केसरी, एडिटर स्वरांजलि सरगम, स्वरांजलि सेवा संस्थान ट्रस्ट की अध्यक्ष अंजू देवी, राजेश पांडे, रंजीत कुमार, अनमोल कुमार, दुखी केवट, रामचंद्र दास, दिलीप जायसवाल एवं विंध्याचल प्रसाद की भूमिका सराहनीय रही। मंच संचालन डी आनंद ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने किया। कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को समर्पित श्रद्धांजलि गीत के साथ कार्यक्रम को विराम दिया गया। बेतिया से हरिकेश कुमार की रिपोर्ट। सारे लोगों को आगे बढ़ाकर सरकार को आगे बढ़ाना, उनका उत्साह बढ़ाना।